प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर पहुंचेंगे। करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मुंबई लैंड होंगे और इस दौरान कई सारे विकास कार्यों का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। ये दूसरी बार होगा 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री का ये मुंबई दौरा है और उसको लेकर खासी तैयारी यहाँ पर की गई है। तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ा कटआउट यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का जो काफिला है, यानी प्रधानमंत्री जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहाँ से सीधे CST रेलवे स्टेशन जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर वो पहुँचेंगे नौसेना के, और वहाँ पर 2 वंदे भारत ट्रेन का को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने की। 2 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी रूट पर ये वंदे भारत जो है वो दौड़ेगी। इसके साथ ही 2 फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री करेंगे और बोरा समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन या उनके प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसको देखते हुए काफ़ी सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए। 1700 पुलिसकर्मी मुंबई की सड़कों पर तैनात रहेंगे। एडिशनल CP रैंक के अधिकारी को जिम्मा दिया गया है मुंबई की सिक्योरिटी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरीके की कमी ना हो उसको देखने के लिए। साथ ही साथ जहाँ भी प्रधानमंत्री का दौरा है मुंबई के मरोल इलाके में और CST इलाके में, वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी किसी भी तरीके के गुब्बारे को या फिर ड्रोन को उड़ाने की परमिशन जो है नहीं होगी। करीब 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास जो है जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री वापस से मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सुशील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।